हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज बैकपैकर और बहुत दिनों बाद एक और नई ट्रिप पे और हम जा रहे हैं अभी राजस्थान किशनगढ़। और जैसा कि आपने सोशल साइट्स में देखे होंगे काफ़ी सारी फ़ोटोज़ किशनगढ़ डंपिंग यार्ड की, जिसे बहुत सारे लोग मालदीव की लुक की तरह देखते हैं, तो अभी हम किशनगढ़ जा रहे हैं। और किशनगढ़ की जो लोकेशन है वो जयपुर से 102 किलोमीटर और उसके पास में जो अजमेर एक बड़ा शहर है राजस्थान का ज़िला है, वो वहाँ से जो है पड़ता है 30 किलोमीटर। और अगर आप दिल्ली से जाएंगे तो आपको ये पड़ेगा ऑन रोड 375 किलोमीटर, 375 किलोमीटर। तो अभी हम जा रहे हैं और मेरे साथ इस ट्रिप पे हैं, ये देखिए सिट्टू बॉस, और पीछे देखिए मम्मी द ट्रैवलर। और अभी हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं और ये देखिए, और थोड़ी देर जब हम पहुंचेंगे इस रास्ते को कवर करते हुए तो मैं आपको किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड्स में लेके चलता हूँ। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर किशनगढ़ डंपिंग यार्ड के पास में। अभी ये 400 मीटर है और मेरे यहाँ पे आप देख रहे होंगे रोड के साइड में जो है आपको दिख रही होंगी मार्बल्स की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी। और किशनगढ़ जो डंपिंग यार्ड है वो बेसिकली इन्हीं जो मार्बल्स की जो फैक्ट्रियाँ हैं इनका बेसिकली गारबेज जो है वो वहाँ पर डंप किया जाता है। और ये देखिए अब हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, 300 मीटर अभी रह गया है और मार्बल के पत्थर आपको दिख रहे होंगे। और ये अभी सामने जो है अभी दिखने लगा है। सो फ्रेंड, किशनगढ़ जो डंपिंग यार्ड है इसमें जाने के लिए आपको एंट्री टिकट चाहिए होती है। और जो किशनगढ़ डंपिंग यार्ड है उसके बिल्कुल पास में ही है, 100 मीटर 150 मीटर के रेंज में, यहाँ पे किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, वहाँ से अभी टिकट लेंगे। ये देखिए, तो अभी मैं टिकट लेके आता हूँ, फिर आपको बताते हैं कितना क्या चार्जेस यहाँ पे एंट्री का होता है। सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली पहुंच गया हूं यहां पे डंपिंग यार्ड में। और बेसिकली जो यहां पे किशनगढ़ डंपिंग यार्ड है, यहां पे जितने भी मार्बल्स की फैक्ट्रियां हैं वहां का जितना भी गारबेज है वो यहां पे डंप किया जाता है। और काफ़ी दूर में ये फैला हुआ है और जो है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं राजस्थान का, और कुछ मालदीव भी इसको बोलते हैं राजस्थान का, इंडिया का बेसिकली। और ये देखिए बिल्कुल पूरा जो है गारबेज है मार्बल्स का। और अभी जो है मौसम थोड़ा सा गर्मी का शुरू हो गया है, अदरवाइज़ जब आप यहाँ पे बारिश के मौसम में आएंगे मानसून के महीने में तो आपको यहाँ पे काफ़ी जगह पे जो है छोटे छोटे पौंड हैं उनमें पानी भरा हुआ मिलेगा। अभी ऑलमोस्ट इक्के दुक्के में कुछ पानी दिख रहा है, बाकी सब थोड़ा सा सूखा हुआ है। तो यहाँ पर बेस्ट टाइम जो है वो मानसून में ही आने का है, अदरवाइज़ वैसे आप कभी भी आ सकते हैं। और
साथ में इसका जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद में यहाँ पे एंट्री नहीं होती और 10 बजे से पहले नहीं होती है, तो 10 बजे से 5 बजे के इन बिटवीन जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं। चलते हैं, आप कुछ व्यूज़ आपको दिखाते हैं। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और सिट्टू बॉस यहाँ पे अपने स्वैगी लुक में। तो ये देखिए, ये जो पॉन्ड्स हैं, ऐसे छोटे छोटे जो पॉन्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे डंपिंग यार्ड्स में। एंड द पिक्स आर ऑसम, मतलब यहाँ पे जो फोटोजेनिक प्लेस है आपको पिक्स जो है बहुत अच्छी यहाँ पे आती हैं। ये देखिए, दैट्स ग्रेट पोर्ट्रेट। ये पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ, देखिए 360 में। सो गाइज, ये था किशनगढ़ डंपिंग यार्ड और बहुत छोटी सी जगह है बट बहुत प्यारी सी जगह है, मतलब वर्थ है, एक बार यहाँ पे आके ज़रूर देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो लुक है, यहाँ का जो व्यूज़ है वो बहुत ही शानदार है। इट्स लुक्स लाइक द मिनी स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पे अभी तो पानी सूखा हुआ था, अदरवाइज़ जो है मानसून के टाइम में काफ़ी पानी भरा रहता है और साइडों में ग्रीनरी भी रहती है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है उस टाइम पर और भी ज़्यादा। तो बेसिकली आप इसको वैसे कभी भी आ सकते हैं बट मैं ये कहूँगा कि मेन जो टाइम है वो आपका यहाँ पे आने का वो मानसून के टाइम पे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे बेसिकली देखने के लिए तो बस यही है कि ये डंपिंग यार्ड्स है, यहाँ पे आप पिक्चर्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होती है, 100 रुपीज़ पर पर्सन हॉर्स राइड कराते हैं। अगर आपको सिर्फ पिक्चर लेनी है उसके साथ में तो आप जो है घोड़े के साथ फ़ोटो ले सकते हैं 50 रुपीज़ में। इसके अलावा यहाँ पे कोई एंट्री फीस तो नहीं है, लेकिन आपको जो यहाँ की एसोसिएशन है, जो मार्बल एसोसिएशन है, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, वहाँ से आपको परमिशन लेके फिर एंट्री करनी होती है। तो वो आप एंट्री वहाँ से लेकर के और फिर यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। अराउंड एंड अराउंड मैक्स टू मैक्स जो है 1 आवर आपके लिए इनफ रहता है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा रील के बनाने के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बहुत टाइम और ले सकते हैं, अदरवाइज़ 1/2 आवर से 1 आवर इनफ है इस जगह को देखने के लिए। तो ये था किशनगढ़ राजस्थान का जो है एक बहुत ही प्यारा सा मिनी स्विट्ज़रलैंड।